Happy, today I will teach you words related to door. So this is the topic for today. आप देखिए यहाँ पे मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ सिर्फ दरवाजे से ही रिलेटेड वर्ड्स जो कि हम लोग जानते ही नहीं है। इन हिंदी हम जानते हैं लेकिन इंग्लिश में हम इनको नहीं जानते। तो सबसे पहला वर्ड है आपका डोरवे। ये डोरवे क्या होता है? डोरवे आपने सुना होगा चौखट जिसको बोलते हैं, वही इंग्लिश में डोर। जब भी हम बंद करते हैं जो जोर से आवाज आती है उसे बोला जाता है स्लैम। स्लैम एक मेन वर्ब है, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत जाए तो आप लिख लीजिए स्लैम। स्लैम मींस होता है क्या? ये होता है डोरवे। यहाँ पे लिख दूं क्योंकि ऐसे होते स्टूडेंट इनको ये समझ में नहीं आता कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे। डोरवे मींस चौखट। स्लैम ही एक वर्ब है जिसका मींस होता है दरवाजे को जोर से बंद करना, मींस धमकी आवाज जब आती है वही स्लैम कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा व्हाई डिड यू स्लैम द डोर। तुमने जोर से दरवाजे को क्यों बंद किया? व्हाई डिड यू स्लैम द डोर? तुमने दरवाजे को जोर से क्यों बंद किया? अब अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि जोर से दरवाजा बंद मत करना, सो डोंट स्लैम द डोर। मैंने दरवाजे को जोर से बंद नहीं किया है, सो आई हैवंट स्लैम्ड द डोर। स्लैम फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि ये वर्ब है, तो इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्लैम्ड। सेकेंड और ये थर्ड फॉर्म हो गया, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। तो आप ये लिख सकते हैं स्लैम का मीन्स होता है दरवाजे को बंद करने पर जोर से आवाज का आना, स्लैम द डोर। ठीक है ना। फिर है अजार। अजार का मीन्स होता है कि दरवाजे को अधखुला छोड़ देना। अधखुला का मतलब ये होता है, आप दरवाजा देखे हो, अब जैसे ये सपोज दरवाजा है, दरवाजे को हमने खोला, ठीक, खोल करके आधे बीच में हमने उसको छोड़ दिया, प्रॉपर हमने लैच नहीं किया है, बंद नहीं किया है, वो कहलाता है क्या? दरवाजे को अधखुला छोड़ देना। ठीक है ना, मतलब प्रॉपर कुंडी नहीं लगाना, उसको पूरा खींच के बंद नहीं करना, वो कहलाता है क्या? अजार। अजार आप इसका प्रोनाउंसिएशन लिख लीजिएगा, अजार मीन्स होता है इसका, ये होता है दरवाजे को आधा खुला छोड़ना या अध खुला छोड़ना, आप इसको समझ लीजिएगा जैसा भी हो। आधार का मीन्स होता है दरवाजे को अध खुला छोड़ना। नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे, चौखट होता है। चौखट से जब हम दरवाजे को लगवाते हैं, जिस भी कारपेंटर को बुलवाते हैं उसे दरवाजे को अटैच करवाते हैं, उस पर वो जो अटैच करने के लिए एक लगा होता है ना, दरवाजे और चौखट के बीच में एक लगा होता है जिसपे अटैच होता है दरवाजे से भी और चौखट से भी, तो उसे भी हम बोलते हैं हिंज। और हिंज का मीन्स होता है क्या? कब्जा। ठीक है, हिंज का मीन्स क्या हो गया? कब्जा हो गया। फिर बारी आती है क्रीक की। क्रीक हमारे स्टूडेंट्स एक मेन वर्ब है। क्रीक का मीन्स होता है दरवाजे को बंद करने पे, आपने सुना होगा हमेशा मूवीज में देखा होगा जो हॉरर होती है स्पेशली, उसमें आवाज आती है एक चर्र करके आएगी, फिर तब दरवाजे को बंद करो, बहुत ही हॉरिफिक होता है वो सीन। तो वैसे ही क्रीक का मीन्स होता है दरवाजे को बंद करने पे चरचराहट की आवाज आना, होता है ना, आपने कई बार सुना होगा, हालांकि समझ जाएंगे मैं क्या बता रही हूँ। सिंपल वीडियो है ये आप लोग के लिए, अगर आप लोग भी स्टूडियस हैं, इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश सीखने में, इंटरेस्टेड हैं ऐसे वर्ड सीखने में जो कि डेली यूज में बोले तो जाते हैं इन हिंदी बट वी डोंट नो इन इंग्लिश। चलिए, एक तरफ लिखा हुआ है लैच और बोल्ट, दूसरी तरफ मैंने लिखा हुआ है अनबोल्ट और अनलैच। आप देखो डिफरेंस क्या है। बोल्ट का मीन्स होता है कुंडी, अनबोल्ट और अनलैच का मीन्स होता है कुंडी खोलना। ये हो गया। अब देखो एग्जांपल एक दो आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि दरवाजे की कुंडी लगा दो, तो हम बोल सकते हैं इसको बोल्ट और लैच द डोर, लैच द डोर। और अगर मेरे को बोलना है कि कुंडी खोलो या कुंडी खोल दो, सो मैं इसको बोल सकती हूँ अनबोल्ट और अनलैच द डोर। So this is all about words related to door. Now it's enough for this. Thank you so much guys for watching my videos. चलिए देखिए यहाँ पे कि door में क्या होता है। ये पूरी चीज जो आपको दिख रही है, ये पूरी चीज हमारी कहलाती है क्या? door way. Door way का means होता है चौखट। ये आपको brown color में शायद दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए इसको, ये जो brown color में पूरा ये दिख रहा है ना, ये कहलाता है door way, चौखट। दरवाजे को जोर से बंद करते हैं तो उससे आवाज आती है धमकी। जैसे आप देख लीजिए ये दरवाजा है, इसको जब हम ऐसे बंद
बंद करते हैं। तो ये आवाज जो आई ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लैम। स्लैम का मीन्स होता है दरवाजे को बंद करने पर जोर से आवाज का आना, खम से। ठीक, फिर होता है अजार। अजार देखिए, फिर से देख लीजिएगा इसको। अब अजार देखने से पहले आप ये देख लो, मैं कुंडी खोल रही हूँ। इसको क्या बोलते हैं, अनबोल्ड द डोर, अनबोल्ड, या इसको बोला जाता है अनलैच द डोर। मैंने इसको खोला, ये अनबोल्ड और अनलैच कहलाता है, अनबोल्ड या तो अनलैच द डोर। ठीक, और अगर मैं इसको कुंडी को बंद कर रही हूँ, लगा रही हूँ, तो ये कहलाता है बोल्ड द डोर या तो लैच द डोर। ठीक, उसके बाद आप देखिएगा, जब मैं इस दरवाजे को खोल करके इतना छोड़ दी, मैंने इसको प्रॉपर बंद नहीं किया, तो ये कहलाता है अजार। मीन्स दरवाजे को मैंने आधा पूरा छोड़ दिया, ना तो मैंने दरवाजे को प्रॉपर बंद करके कुंडी लगाई, ना कुछ किया, मैंने इतना इसको छोड़ दिया, सॉरी फॉर द हिंड्रेंस, ये कहलाता है अजार। ठीक, अजार हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्रीक में। देखिए, जब हम दरवाजे को खोलते और बंद करते हैं, जैसे हम इसको खोल रहे हैं, हालांकि इस दरवाजे से कोई आवाज नहीं आ रही है, पर इसको अगर ऐसे खोलते और बंद करते हैं तो एक आवाज आती है, उसे हम कहते हैं क्या, क्रीक। क्रीक मीन्स दरवाजे से चरचराहट की आवाज का आना। मूवी में आपने जरूर देखा होगा, चर करके आवाज आती है दरवाजे को खोलने पे, बंद करने पे, स्पेशली हॉरर मूवीज में। ठीक है, और अभी इसमें क्या बाकी रह गया गाइस, हाँ एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं कब्जा हिंज। ध्यान से देखिएगा, आई थिंक आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखिए, ये जो चीज कहलाती है, मीन्स इस विंडो को इस चौखट से डोर में से अटैच करने के लिए जो लगाया गया है, इसे बोला जाता है क्या, कब्जा। और कब्जे को ही इंग्लिश में बोलते हैं क्या, हिंज। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।